वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जी हम मुर्गाबी का गोश्त पकाएंगे। तो आसान रेसिपी है, प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर इसमें हमने मुर्गाबी के ये चेस्ट के छोटे छोटे पीसेस काटे हुए हैं वो ऐड किए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे और मज़ीद एक चम्मच खुश्क धनिया, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। पंद्रह से बीस मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे लाल मिर्च ऐड करेंगे बारीक कुटी हुई। टमाटर और मिर्चें ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट और अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसमें पानी ऐड किया है। अब आधे घंटे के लिए इसे ढाँप के पकाएंगे। पानी अब तकरीबन खुश्क हो रहा है और अच्छी तरह बुनाई करेंगे इसकी। गोश्त तकरीबन गल गया है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे इसे। लें जी डक कढ़ाई तैयार है। अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। साथ में रायता तैयार करेंगे, पुदीने के पत्ते, सब्ज़ मिर्च और धनिया। और हसबे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। और अब दही ऐड करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Oh.